बेल आइकन को दबा देना हाँ, ताकि जब अगली वीडियो आए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। क्वैक क्वैक। दिना 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 दिन दिना 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 दिन दिना। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी पेटशॉप को विजिट करेंगे। मेरा पहला पेटशॉप विजिट, होप यू लाइक इट। अगर अच्छा लगा तो शेयर करना, वीडियो को एंड तक देखना। अभी हम जाएंगे, देखेंगे पुणे में विश्रांतवाड़ी में किधर जाने वाले, कौन सा पेटशॉप को विजिट करने वाले हैं। भाई प्लीज देखिएगा। अभी हम एक्वेरियम को विजिट करने को जा रहे हैं, फातिमा एक्वेरियम का नाम है। तो मैंने सुना है कि उनके पास बहुत सारी अच्छी वेरायटी ऑफ ब्रीड है और वो प्राइस भी कम ज्यादा कर देते। तो गाइस देखिए वीडियो। तो ये शाहरुख भाई है, अभी हम से उनका एड्रेस पूछेंगे कि इनकी दुकान कहाँ पर है। तो शाहरुख भाई आपका एड्रेस कहाँ पर है? मेंटल हॉस्पिटल कॉर्नर आलंदी रोड पर है। ठीक है, सो गाइस मेंटल कॉर्नर आलंदी रोड पे इनका दुकान है विश्रांतवाड़ी में। अगर आप मेंटल कॉर्नर पे आ जाओगे तो आपको इनका दुकान आराम से मिल जाएगा। तो भाई आपके पास क्या क्या है, मतलब स्टॉक में क्या क्या है अभी? मेरे पास अभी फूड है, गोल्ड फिश वगैरह है। आपके पास एक्सोटिक फिशेज है क्या? ओके, और अगर किसी को रोडेंट वगैरह लेना हो, जैसे हैमस्टर, गिनी पिग या रैबिट वगैरह मिल जाएंगे उनके लिए? अगर इस वीडियो को देख के कोई आपको प्राइस वगैरह कम ज्यादा करेगा क्या? नहीं कर देंगे। ओके ओके, सो गाइस नाउ वी विल टेक टू टू द पेट शॉप। स्किप मत करना भाई, आप हम सबको डिटेल में बोलने वाले। और इनके पास एक सर्टिफिकेट भी है, ये वेल सर्टिफाइड दुकान है। सो गाइस यहाँ पर कभी भी आ जाना, ये कभी भी यहाँ पर रहते हैं। इनका नंबर मैं भी आपको दे दूंगा, आप वो देख लेना। वी विल सी टू कैच। तो भाई ये कौन से है, रैबिट है ना? रैबिट। तो इनकी प्राइस कैसी है? 600 का पेयर है। तो इसमें कम ज्यादा हो सकता है ना? ठीक है, ये आप डिलीवर कर सकते हैं बाहर, मतलब जो लड़के हॉस्टल पे रहते हैं उनके लिए। ठीक है ठीक है। और ये क्या भाई, ये कौन से? जावा बर्ड से। तो इसकी पेयर कितने में? 2000 रुपीज पेयर। क्या आप रिटेल शॉपकीपर हो ना, इसलिए थोड़ा कम ज्यादा। ओके, और फिर ये लो बर्ड से शायद। इनकी प्राइस कितनी है? 600 का पेयर है। ठीक है देखिए, ये भी आप कैसे देंगे, मतलब अगर लोग ज्यादा लेंगे इसको चार में तो? ठीक है देखिए। ओके, फाइटर फिशेस। तो भाई इन फाइटर फिशेस के प्राइस कैसे है, मतलब? ये जो फुल मून बेटा है। हाँ, फुल मून। हाँ, ये है 300 का। ये 300 का? और ये सारे 300 के? सारे 300 के, सारे फुल मून बेटा है। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छे हैं ये फिशेस, फाइटर फिशेस। ओके, सो ये कौन सी फिश है? ये एक्सोटिक फिश है शायद, पिराना। ठीक है ठीक है ठीक है। इसकी प्राइस कितनी दे रहे हैं आप, कितने में बेच रहे हैं? ये 1000 का। 1000 रुपीस पेयर है। इसमें कम ज्यादा करेंगे क्या? नहीं, वन पीस फॉर 1000 रुपीस। और ये कौन से गोल्ड फिशेस है, क्या है इनका? इनका प्राइस कितने में दिया? 300 रुपीस पेयर। ये गोल्ड फिश बहुत जल्दी मर जाते हैं, इसका कारण क्या है बेसिकली? थोड़े सेंसिटिव होते हैं, अगर आप पानी वगैरह चेंज करेंगे तभी मरते हो। तो आप फ्रेश वाटर वगैरह डालते हो तो उसमें आपको अगर पानी चेंज करना है, अगर इनको रखना है आपको अच्छे से, तो पानी चेंज करने से पहले 2 दिन पहले आप आपके घर में पानी भर के रखो, स्टोर करके रखो, तो पानी में क्लोरीन होने के कारण वो मर जाते। इसमें बहुत सारे वैरायटी मिल जाएंगे क्या आपके पास? ठीक है, मतलब उसकी प्राइस अलग रहेगी। ओके ओके ठीक है। सो भाई ये कौन से फिशेज है? मोली है। ये मोली है, इसकी प्राइस कितनी है? 40 रुपीज पे। बहुत सस्ता दे रहे आप। अच्छा अच्छा, फिर ये? ये पैरेट चिकलेट सर। पैरेट चिकलेट। ओके, इसकी तो भाई इसका प्राइस कैसे? 2000 का पेयर। 2000 रुपीज पेयर में ले रहे आप? बड़ा साइज है वो, कलर वगैरह क्वालिटी अच्छा। हाँ, इसमें बहुत सारे कलर रहते ना, रेड और येलो वगैरह, वो कलर आपके पास मिल जाएंगे क्या? ठीक है, अभी मेरा वीडियो देख के अगर 2-3 सालों में लोग आ जाए तो प्राइस चेंज हो सकती है, कम ज्यादा हो सकता है। ओके, तो भाई ये कौन सी फिशेज है? ब्लैक मोर। इनकी क्या प्राइस दे रहे आप? ये 60 रुपीज पेयर। 60 रुपीज पेयर। ठीक है ठीक है। तो भाई मैं ये बोल रहा था कि ये जो बड़े बड़े फिशेज है, पैरट फिशेज, इनके साथ छोटे मछले नहीं रह सकते ना? ये बहुत एग्रेसिव फिश है। तो इनके साथ कौन से फिशेस रख सकते हो आप? उसके बाद में आप इसके साथ में फ्लोरन भी रह सकते हो। और ये पिराना रखा है तो कोई प्रॉब्लम हो जाएगा? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, मतलब एग्रेसिव फिश के साथ ही रहेगी। ओके, तो चलते हैं हम आगे। तो भाई ये कौन से फिशेज है? कोई फिशेज है। इनकी प्राइस क्या दे रहे हैं आप? 60 रुपीज पे। ये जापानीज कोई है, सिंपल कोई है? सिंपल कोई, जापानीज कोई। तो ये कौन से फिशेज है? सिल्वर शार्क। इसकी प्राइस 200 रुपीज पेयर। ये बड़ी होती है, इतनी छोटी रहती है? बड़ी होती है। कितनी इंच तक बढ़ती है? एक 6-8 इंच तक बढ़ती है। 6-8 इंच। फिर ये कौन सी टाइगर फिन बाल फिशेज है क्या? टाइगर बाल। इसकी प्राइस कितनी दे रहे हैं आप? 40 रुपीज। ओके ओके। इनकी साइज कितनी, इतनी रहेंगे या बढ़ेगी? थोड़ी सी बढ़ती, ज्यादा नहीं, 1 इंच बढ़ेंगे, बढ़ेगी तो इससे 1 इंच ही बढ़ेगा। ये भी एग्रेसिव फिश है या रह सकते हैं गोल्ड फिश वगैरह? इसमें नहीं आते हैं। हाँ, मतलब इनको आप गोल्ड फिश के साथ नहीं रख सकते? नहीं, रख सकते, फिश वगैरह खा लेते हैं।
तो भाई ये कौन सी फिश है? अल्बिनो ड्रैगन बार। ये इनकी प्राइस कैसी है? महंगा या सस्ता है? ये 60 रुपीज़ है। ये रह सकती क्या? ये भी एग्रेसिव फिश है क्या? ये भी एग्रेसिव है। ओके ठीक है। फिर ये भाई ये गप्पीज है, फीमेल गप्पीज है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत अच्छी, सारी फीमेल है सारे, मतलब फीमेल। देखो भाई अगर आपको ब्रीडिंग को चाहिए होगा तो भाई इसे कांटेक्ट कर लेना, आपको ये दे देंगे गप्पी फिशेस। अगर इसको डजन में लेंगे तो कुछ कम करेंगे? कम कर देंगे हम लोग, ये 40 रुपीज़ पर बेचते हैं, अगर डजन में लेंगे तो कम करके दे देंगे। ओके ओके। तो भाई ये कौन सी गप्पी फिशेस है? वो भी गप्पीज है, वो मेल गप्पी है। ये मेल है, ये मेल है भाई, ये फीमेल है। अगर ब्रीडिंग करनी हो तो भाई से कांटेक्ट कर लेना, इनकी प्राइस भी सेम है 40 रुपीज़। ठीक है ठीक है। तो भाई ये कौन से है? ये सकर फिशेस आया था ना, तो इनकी प्राइस कैसे दे रहे आप? 50 रुपीज़ पे। तो ये कौन से भाई? अभी वो बिनोसेट्रा है। कौन से? बिनोसेट्रा। बिनोसेट्रा है। तो इसकी प्राइस क्या है? 40 रुपीज़ पे। ये क्या एग्रेसिव है या बिगिनर्स के लिए? ये सेंट्रल्स में आते, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये रहते सबके साथ में, सर्वाइव कर पाते, तो किसी को भी प्रॉब्लम नहीं आने। कोई तो भाई ये कौन सी है? ये न्योन टेट्रा है। न्योन टेट्रा फिश। हाँ। ये भी अच्छी शायद मैंने सुना है बिगिनर्स के लिए। हाँ। इसकी प्राइस कितनी दे रहे आप? ये 60 रुपीज़ पे। 60 रुपीज़ पे। या आप प्लांटेशन में आपने जो बिनोस टेट्रा देखा पीछे, हाँ हाँ, और ये जो आप देख रहे हो सामने, ये प्लांटेशन के लिए भी यूज कर सकते हो। ठीक है, मतलब ये अच्छी है। हाँ, ये सर्वाइव करती क्या ज्यादा? हाँ, प्लांटेशन में अगर रखोगे इसको तो अच्छे से सर्वाइव करेंगे और दिखेंगे भी अच्छे। देखो गाइस देख लो, आपको बहुत डिटेल में इंफॉर्मेशन दे रहे भाई। फिर ये कौन सी अपनी एंजल फिश है ना? ये मोनो एंजल है। मोनो एंजल। ओके, तो इनकी साइज बढ़ती ना 10 इंच तक? हाँ बड़े हुए। ठीक है, अगर बड़े साइज में कितने में मिलेगी ये? बड़ी साइज में आपको ये कम से कम आएगा, ये 600-800 का पेयर आएगा। अगर बहुत बड़ा होगा तो फिर 1500 तक भी जाता है। तो अभी इसकी छोटों की प्राइस क्या है? अभी ये 250 का पेयर है। 250 रुपीज़ पेयर। आपको मालूम है क्या मेल फीमेल कौन सी, मतलब निकाल के दे सकते क्या? हाँ दे सकते। ओके ठीक है। तो मुझे आपको से ऐसे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछना था कि बहुत सारे लोग जो लोग हैं वो ऑक्सीजन पंप लगाते। हाँ। लेकिन मैंने देखा कि आप फिल्टर से ही उनको ऑक्सीजन दे रहे। हाँ। तो चलता क्या ऐसा? हाँ, मतलब ऑक्सीजन पंप की जरूरत नहीं है, फिल्टर लगाए तो काम हो जाए। ऑक्सीजन ऐड, ऑक्सीजन ऐड। हाँ, वो जो ये बबल्स निकलते हैं, हाँ, उससे ऑक्सीजन मिलता है। ये जो पानी फ्लोट होता है तो उससे ऑक्सीजन क्रिएट होता है। तो इसकी प्राइस कितने महंगे है? ऐसे फिल्टर लेंगे तो डिपेंड करता है आपका एक्वेरियम का साइज क्या है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर छोटा लेना पड़े, मतलब जो बिगिनर से, अगर समझो आप 1.5 फीट का टैंक लेते हो तो छोटा उसमें फिल्टर आएगा आपको 150 का। ओके ठीक। और उसके साथ में एयर पंप अलग से लेना पड़ेगा आपको, वो आएगा 200 का। मतलब तो एयर पंप इसमें होता है कि सिर्फ ये लिया तो अलग से लेना पड़ेगा, अलग अलग छोटे टैंक के लिए अलग अलग से लेना पड़ेगा। 350 का फुल मिलाकर जाता है। मतलब सिर्फ बड़े टैंक के लिए ये अकेले सुटेबल है। हाँ ठीक। तो भाई ये कौन से फिशेज है अभी? ये गोल्ड फिश का ओरेंडा बोल। तो इसकी प्राइस क्या दे रहे हैं आप? ये 250 का पेयर। 250 रुपीज़ पेयर। तो इसमें कुछ कम ज्यादा होगा क्या? नहीं कर देंगे, कर देंगे। तो इसमें क्या मेल फीमेल आप अलग अलग निकाल दोगे या कैसे करेंगे आप इसका? दे देंगे, दे देंगे। इसकी डिलीवरी मतलब चार्जेस लोगे क्या? मतलब यहाँ से दूर होगा, अगर समझो 5-10 किलोमीटर दूर होता है तो फिर चार्जेस लगेगा, अगर पास में होता है शॉप के। नहीं, लेकिन अगर लोग ज्यादा क्वांटिटी में आपसे फिशेस ले रहे पुणे के अंदर ही, तो आप डिलीवरी चार्जेस होंगे या फ्री में कर दोगे? अगर डिपेंड करता है वो कितना दूर है उसके ऊपर डिपेंड करता है, और क्वांटिटी कितना है उसके ऊपर डिपेंड, क्योंकि बाकी तो चार्जेस लगेगा ही। अगर क्वांटिटी ज्यादा होगा और ज्यादा दूर नहीं पड़ता होगा तो फिर फ्री में हो जाएगा डिलीवरी। ठीक है। सो गाइस ये गुरामी फिशेस है भाई, ये गुरामी फिश है ना आपके पास? तो ये कौन सी गुरामी है? सिंपल गुरामी है, किसी सिंपल है। इसकी प्राइस कितने दे रहे आप? 60 रुपीज़ पे। हाँ, तो मिल्की कोई भी है? मिल्की कोई भी क्या? हाँ ओके गाइस, ये मिल्की कोई है भाई, देख लो। इसकी प्राइस कितने दे रहे आप मिल्की कोई? 60 रुपीज़ पे। तो ये फिशेस अच्छे हैं ना बिगिनर्स के लिए, मतलब कोई टेंशन नहीं? ओके ओके। ये कौन सी भाई? गोल्ड फिश है ना आपके साथ? गोल्ड फिश है, सिंपल गोल्ड फिश। इन गोल्ड फिश में और इन गोल्ड फिश में फर्क है? सेम है, सिर्फ साइज का फर्क है क्या? वो ये कितने में बोले आपने? ये 60 रुपीज़ पे। और वो कितने में बोले? वो 300 का। 300 रुपीज़ पे। तो बिगिनर्स के लिए ये अच्छी है या वो अच्छी है? दोनों में कोई दिक्कत नहीं, साइज के ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास एक्वेरियम कैसा है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये शायद आपके पास बेबी फ्लावर के बच्चे है ना? हाँ, ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर। कौन सा? शॉर्ट बॉडी फ्लावर। हाँ। तो इनका प्राइस कितना दे रहे हैं आप? कितने रुपए है इसका? 200 का एक पीस है। 200 का एक पीस है भाई, बहुत सस्ता है। 200 रुपीज़ का एक पीस है। ये सब बेबी है फ्लावर, तो आप भाई से कांटेक्ट करके ले लीजिए। इसमें कुछ कम ज्यादा होगा या नहीं? क्वांटिटी लेंगे कम करके दे देंगे। नहीं, मैंने सुना है कि फ्लावर को हमेशा अकेला ही रखते हैं, तो क्या प्रॉब्लम आती क्या? हाँ, वो झगड़ा करते हैं, मतलब दूसरे फ्लावर के साथ रह नहीं सकते। नहीं रहते, दूसरे फिशेस के अंदर रख सकते क्या हम इसको? नहीं नहीं, सिर्फ एक फ्लावर। हाँ, आप अगर चाहो तो पैरेट के साथ में रख सकते हो। तो भाई ये कौन से फ्लावर है जो इधर है? अलग कलर इसका? हाँ, ये शॉर्ट बॉडी फ्लावर है। शॉर्ट बॉडी, इसमें कलर की वैरायटी होती क्या? अलग अलग वैरायटी। तो ये ज्यादा दिन सर्वाइव करते क्या? नहीं बहुत ज्यादा सर्वाइव। इनकी कितना लेंथ कितना बढ़ेगा? ये कम से कम 6-8 इंच हो जाते हैं। 6-8 इंच का। और अगर आपके पास बॉडी फ्लावर ऑन ऑन गिन में ही तो कितने रुपए जाएगा?
इसमें अगर होगा तो फिर ये ज्यादा नहीं जाएगा, 1200 रुपए से 1200। और अगर इम्पोर्टेड चाहिए आपको कंफर्म हेड वाला, तो आपको अगर 2500-2200 अलग अलग डिपेंड करता है उसके ऊपर कौन सा चाहिए। तो भाई आपने इधर हीटर लगाए, तो हीटर का मतलब क्या, मतलब क्यों लगाया इधर आपने? इधर वो लोगों को पानी मतलब टेम्परेचर एक ही रहना चाहिए। अगर टेम्परेचर बदला तो वो मर सकते हैं। हाँ, टेम्परेचर चेंज होने से मर जाते, ज्यादातर वही प्रॉब्लम होता है मछलियों में। तो भाई हम आगे जाते हैं अभी। तो भाई ये कौन सी फिशेज है? ये डॉलर फिश है। डॉलर फिश, ये डॉलर फिश में बड़ी बड़ी साइज भी रहते हैं ना लेकिन? हाँ, बड़ी। तो ये कितने में ले रहे हैं? 80 रुपीस पे। इनका भी डजन में लेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। और बड़ी डॉलर फिश कितने में आएंगे? बड़ी आएगी 250 पेयर। ओके, तो ये अपनी कोई है ना? ये साझी कोई है, शुभन की है। अलग फिश है क्या ये? हाँ, कोई नहीं है। नहीं, नहीं, क्या आता मालूम है क्या भाई? बहुत सारे लोगों को ना कोई और इसका डिफरेंस समझ नहीं, तो इसको भी कोई समझ नहीं। तो इसकी प्राइस कितनी दे रहे हैं? ये 50 रुपीज़ पे। 50 रुपीज़ पे। ये भी एग्रेसिव फिश नहीं है। ठीक है। फिर ये कौन सी है? वो रेड कैप। रेड कैप गोल्ड फिश ना? हाँ। इसकी प्राइस कितनी दे रहे हैं? वो 60 रुपीज़ पे। 60 रुपीज़ पे। इसका भी डजन में लेंगे तो सस्ता पड़ जाएगा। ये भी शरवानी कर देना ज्यादा गोल्ड फिश के साथ, मतलब ज्यादा ये भी जल्दी मर जाते हैं ना? नहीं रहते, अगर आप ऐसा नहीं, अगर आप रखते हो ठीक से उसको, अगर आप उसका केयर करते हो तो फिर रह लेंगे। क्योंकि कस्टमर अदर कस्टमर जो है वो ले जाते हैं, इसको बड़ा भी करते हैं। इनके लिए फिश फूड अलग है, सबके लिए जो सबके लिए सेम कॉमन ही आता है, बस चिकलेट्स वगैरह जो है उसके लिए अलग आता है। जैसे अभी फ्लोरन हुआ, अरवाना हुआ, ये जो एक्जोटिक फिश है इनके लिए अलग आता है। और अगर टेट्रा वैरायटी होगा तो उनके लिए भी अलग फूड आता है। तो अभी ये कौन सा है? ये रेड टेल शार्क ना शायद? इनका प्राइस कितना दे रहे आप? 80 रुपीज़ पे। ये इतने बड़े रहते क्या? बड़े भी होते इसमें? होते हैं, थोड़े बड़े हो जाते हैं, वो 2 इंच बढ़ जाएंगे। 2 इंच बढ़े। ये एग्रेसिव फिश है, किसी के साथ भी रह सकता है? किसी के साथ। ये गोल्ड फिश को प्रॉब्लम आ देता है क्या? भाई ये मैं आपको क्यों पूछा, क्योंकि जब मैंने एक पेट शॉप को विजिट की तो उन्होंने बोला था कि रेड टेल जो शार्क है उसको प्रॉब्लम देती है। क्या आपका एक्वेरियम बड़ा होगा? हाँ, तो दिक्कत नहीं होता। अगर आप उसमें स्टोन्स वगैरह रखते हो, कोरल्स वगैरह रखते हो, तो ये लोगों का हिडन के लिए प्लेस सही होता है। अगर इन लोगों को ये मिल जाता है तो ये सर्वाइव करते हैं साथ में। ओके ओके। सो भाई अभी इस एक्वेरियम का हम स्टार को मिलने वाले, तो ये अरवाना है ना भाई? अरवाना, ये सिल्वर अरवाना शायद। सिल्वर ठीक है। लोग देखो भाई, इसको बोने टोंगस भी कहते हैं। इसकी प्राइस कितनी दे रहे हैं आप भैया? ये 1500 रुपये। 1500 रुपये पेयर। ये अडल्ट या पीस? 1500 रुपये पीस है। ये अडल्ट या कैसा है? नहीं नहीं, बच्चा ही है। बच्चा है। अगर इसमें अडल्ट लेना होगा बड़ा वाला तो कितने में पड़ेगा? बड़ा ये डिपेंड करता है फिर कितना साइज है, आपको कैसा चाहिए। तो ये 6000-8000-15000 अलग अलग रेट जाता है इसका। तो ये सर्वाइव के ऊपर डिपेंड करता है। ये सर्वाइव करता है कि नहीं? ज्यादा करता है, बहुत ज्यादा सर्वाइव करता है। तो इसके लिए फिश फूड कैसा है, मतलब अलग कंपनी का? हाँ, अलग कंपनी का फूड आता है इसको, इसको स्टिक्स आएगा इसके लिए। अभी तो ये ब्लड वॉर्म्स खाएगा, इनको ब्लड वॉर्म्स फीड करना। तो मैंने सिकिंग पैरेट्स के बारे में सुना है, जो पैरेट्स मतलब पानी के अंदर रहते हैं। ठीक है, ये अकेली रहती क्या पैरेट? पैरेट वगैरह उनके साथ रह लेगी वो। और इस मतलब इसके मुंह में नहीं बैठे क्या, इससे वाला फिश आपको डालना है, मतलब वो खा ना पाए ऐसे वाली फिश। इससे बड़ा साइज डालेंगे आप तो वो सर्वाइव करता है, वो लोगों के साथ मारेगा नहीं किसी को। ठीक है ठीक है। तो इसका भी कम ज्यादा होगा क्या ये प्राइस में? ठीक है ठीक है ठीक है। तो इसमें भी बहुत सारी वैरायटी रहती है अलग अलग के, ब्लैक कलर में वगैरह। तो सारी के सारे मिल जाएगी आपके पास? फिश फूड है वो दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो इसका प्राइस कितना है? ये 300। इसमें कम ज्यादा नहीं होगा, ये कंपनी प्रोडक्ट है। और गोल्ड फिश वगैरह जो अपने नॉर्मल फिश है उनके लिए कौन सा? उसके लिए भी आता है, सारी चीजें डिपेंड करता है वैरायटी आप कौन सा लेते हो। डिस्कवरी का फूड है, ये नॉर्मल फूड है, मतलब ये अगर चाहिए दूसरा आपको तो ये क्वालिटी वाला आएगा। मैंने ऑप्टिमम के बारे में बहुत सुना है कि ऑप्टिमम बहुत अच्छा है। क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है। अभी ये दोनों भी 100-100 ग्राम से 100-100 ग्राम। हाँ, अगर आप ये लेंगे तो ये 50 रुपीज़ का है, और अगर ये लेंगे तो 150 का है। तो ये आपको ये मछली का कलर वगैरह जो है अगर डार्क करना है, मतलब अगर आप आपके घर ले जाते हो, मेरे पास डार्क होता है, आप बड़े करते हो तो कलर आपके पास फेड हो जाता है, तो वो होना चाहिए इसके लिए ये फूड डालना पड़ता है। ठीक है भाई। वैसे और अदर वराइटीज भी आते हैं इसके अंदर। तो आपके पास ब्लड वॉर्म्स है, तो ब्लड वॉर्म्स कितने में दोगे आप? ब्लड वॉर्म डिपेंड करता है, 10 ग्राम आता है वो 100 रुपए का आता है, और बड़ा लेंगे आप उसमें 55 ग्राम वाला लेंगे तो 450 रुपए का आ जाएगा। ये ब्लड वॉर्म सिर्फ एक्जोटिक फिश को दे सकते हैं ना, मतलब बिगिनर्स वाले दे नहीं सकते, जो गोल्ड फिश वगैरह उनको कोई प्रॉब्लम नहीं। ब्लड देखो, अगर आपके फिश टैंक को डेकोरेशन वगैरह करना है तो भाई के पास सारी चीजें हैं, तो इनकी प्राइस बोल देंगे आप? तो भाई इनकी प्राइसेस कैसी है? ये जो है ये सारे 300 के, सारे के सारे 300 में। और ये ऊपर का जो प्लांट, ये 300 के प्लांट है, ये 250, डिपेंड करता है आपको कौन सा चाहिए। इसमें कम ज्यादा होगा क्या? नहीं क्या, फोन करके कम करके लगेगा आपको विजिट। देखिए ये पेट शॉप को जाके आप विजिट कीजिए, अगर आपको कौन सी भी टाइप के पेट्स होना हो या ना एग्जोटिक पेट्स चाहिए, सारे के सारे इनके पास मिल जाएंगे। ये प्राइस भी कम ज्यादा कर देते,
अगर आपको बाहर से कौन से जानवर खरीदने ठीक है, जैसे इम्पोर्टेड फिश है लाइक जापानीज कोई फिश जो कहाँ से आपको मिलेंगे नहीं इम्पोर्ट ही नहीं, तो इस भाई को कॉन्टेक्ट करना या इनके पेट शॉप को जाकर विजिट करना आपको मिल जाएगी। तो गाइस मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ और बहुत बड़ी खुशखबरी देना चाहता हूँ। आपको मालूम है मेरे पास दो गिरी थी टॉम एंड जेरी, उसमें जो मैं जेरी जो फीमेल है शी से गिफ्ट विद अ चाइल्ड, उसे एक छोटा बच्चा हुआ है गिनी पिग का। एक्चुअली शी गिव बर्थ टू टू बेबीज, लेकिन उसमें से जो पहला बच्चा था वो मर गया, शायद वो बहुत कमजोर था इसलिए वो जी नहीं पाया, वो बर्थ के टाइम पे ही मर गया। लेकिन दूसरा बेबी है वो बहुत ही फिट और बहुत ही मस्त है, वो जैसा उसका बर्थ हुआ तब से वो उसने खेलना कूदना शुरू कर दिया है। हाँ आप बोलोगे मैं ऐसा कैसे हो सकता है, बर्थ होने के बाद कैसे कोई बच्चा खेल सकता है? तो भाई गिनी पिग के बच्चे बहुत ही जल्दी आँख खोल देते हैं जैसे उनका बर्थ हुआ और वो खेलना कूदना भी स्टार्ट करते हैं, खेलना कूदना मतलब वो चलना फिरना स्टार्ट कर देते हैं। तो मैं अभी आपको वीडियो के एंड में क्लिप दिखा दूंगा। एक्चुअली मैं पुणे में हूँ और जो मेरे गिनी पिग्स मेरे घर पे है, तो दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, लेकिन मैंने वीडियो उनका मंगवाया है तो एंड में देख लेना। हमारे नए फैमिली मेंबर हैं उसका नाम क्या रखना है वो आप बताना, बिकॉज यू आर ऑल्सो माई फैमिली मेंबर। सो गाइस बाय, टेक केयर एंड कीप लविंग योर पेट्स।